क्लास 9th मैथ्स पॉलीनोमियल्स इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर 2. फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स लेट्स गो लिटिल बैक इन द क्लास 6 फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड अ डिफरेंट मैथमेटिकल ब्रांच नेम्ड एज एलजेब्रा. इन एलजेब्रा वी डील्स विद द नंबर्स एंड अल्फाबेट्स. And here numbers are called constants and alphabets are called variables. Constants means fixed value and variables means value can change, can vary. Right? ये सब तो हम देख चुके हैं. अब इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमने एक example लिया circumference of circle. और वो हमें पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr. उसके लिए हमने 3 सर्कल्स लिए. फर्स्ट सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर, सेकंड की 2 सेंटीमीटर एंड थर्ड की 3 सेंटीमीटर. तीनों का हम सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं. फर्स्ट सर्कल 2πr, रेडियस r है वहां हमने रख दिया, ये हो गया 2π. सेकंड हो गया 4π एंड थर्ड हो गया हमारे पास 6π. यहाँ बहुत इजीली देख सकते हैं कि पाई 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 इज फिक्स्ड है और हमने कहा है कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है वो क्या हो गया हमारा कांस्टेंट. सो पाई इज द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो गया. और नंबर्स जो चेंज हो रहे हैं वो क्या हो गए हमारे वेरिएबल. आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो कहा था कि नंबर्स कांस्टेंट होते हैं और अल्फाबेट्स वेरिएबल्स होते हैं. इसीलिए हमने ये एग्जांपल लिया है कि इन सम सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में फिक्स्ड वैल्यू होती है वो हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. और जिस भी सिचुएशन में वैल्यू चेंज हो रही है या वेरी हो रही है तो वो हमारा क्या हो जाता है, वेरिएबल्स. सो आई थिंक स्टूडेंट्स एवरी वन अंडरस्टूड वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, राइट. नाउ जैसे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज की हेल्प लेते हैं, हिंदी इंग्लिश. सपोज हमें अपने मम्मी से बोलना है कि मैं मम्मी को लव करता हूँ, सो आई लव माई मॉम. ठीक वैसे ही मैथ्स में भी लैंग्वेज होती है, वो नहीं जो आपको पता है 9, 2, 11 हो जाओ, है ना. मैथ्स की भी एक लैंग्वेज होती है और जिसका नाम होता है, जिसे हम कह सकते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या इंक्लूड है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस. मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस इनटू डिवीजन, सारे ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस इंक्लूड हो गए. हमने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. अब कॉम्बिनेशन किस तरीके का होगा कि जिससे हम अपनी लैंग्वेज क्रिएट कर सकें, मैथमेटिकल लैंग्वेज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट कर पाएं, तो उसके लिए एक फिक्स्ड फॉर्मूला है कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल एंड उसकी पावर जो होती है वो रैशनल नंबर होती है. बना के देखते हैं हम कॉन्स्टेंट. हमने कहा कॉन्स्टेंट, अभी हम नंबर ले लेते हैं तो हमने ले लिया यहाँ पे 2 ले लिया कॉन्स्टेंट इंटू, तो ये हमने इंटू करा वेरिएबल की पावर. वेरिएबल हम एक्स ले लेते हैं जो हमें बहुत कन्वीनियंट होता है, एंड रैशनल नंबर. रैशनल नंबर हमें पता है पी बाई क्यू फॉर्म का होता है. सो यहाँ पे मैंने ले लिया 3/4 ले लिया. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं बट अभी मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये मेरे पास में बन गया 2x एंड 3/4. ये बन गया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सी टर्म्स हो सकती हैं. यहाँ से हम एक और नया वर्ड सीखते हैं, टर्म वर्ड. अब ये टर्म वर्ड क्या है, ये जो हमने एक एग्जांपल लिया ये एक टर्म हो गई. इसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जैसे अगर एक हाउस में, ये मेरा बड़ा सा हाउस है, इस हाउस में बहुत सारे रूम्स हैं, ये छोटे छोटे, इस रूम में मैंने अपना एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन
रख दिया, जो अभी मैंने बनाया था वो मैंने बनाया है 2x 3/4, ये हो गया एक रूम। अब मुझे दूसरे रूम में भी कुछ ना कुछ रखना है, जैसे हर रूम को हम डेकोरेट करते हैं वैसे ही हम यहाँ भी डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिख देती हूँ x^-1, और एक और यहाँ पे मैंने लास्ट में, मुझे और कुछ नहीं आ रहा समझ में तो मैंने 4 लिख दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अब इन सब को आपस में मुझे कंबाइन करना है, तो प्लस या माइनस साइन से मैंने कंबाइन कर सकती हूँ, और ये पूरा के पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसे प्लस और माइनस साइन से कंबाइन करने से ये जो ईच बना, ये हर एक जो बना रूम जो है वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में टर्म कहला रही है। राइट, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले बनाया, फिर उसको हर एक रूम के अंदर उसको हमने लिखा और उसे ज्वाइन किया हमने प्लस और माइनस साइन से। तो ये हमारे पास बन गई यहाँ पे रूम्स या टर्म्स, 1, 2 and 3 रूम्स बन गए, या 3 टर्म्स बन गई हमारे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। सो दीज ऑल आर कॉल्ड टर्म्स। राइट, कुछ कुछ हम नए वर्ड्स सीखेंगे, चूँकि हम मैथमेटिकल लैंग्वेज सीख रहे हैं तो नए वर्ड्स तो आएंगे ही। यहाँ से हम एक और नया वर्ड सीखते हैं, कॉफिशियंट। अब इस कॉफिशियंट को समझने के लिए हमने जो एक टर्म लिया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, उस एक टर्म का कोई एक हम अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। सपोज 3x 4/5, तो हमने बनाया था 3 × इसको बनाया था 3 × x^4/5 से बनाया था, और ये जो है इनमें से ये 3 जो है वो x का कॉफिशियंट है और x जो है वो 3 का कॉफिशियंट है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इज द कॉफिशियंट ऑफ x^4/5 एंड x^4/5 इज द कॉफिशियंट ऑफ 3। राइट, तो अभी तक आपने 3 वर्ड्स सीख लिए हैं नए। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट एंड दैट इज आवर चैप्टर पॉलीनोमियल। अब आपको ये पॉलीनोमियल समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि मैथ्स की लैंग्वेज है वो हमने सीख ली। तो अब हमें पॉलीनोमियल बनाने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा वही सेम टू सेम फार्मूला है, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल। वहाँ पे पावर रैशनल नंबर थी, यहाँ पावर होल नंबर में होगी, और ये तो हमें अभी प्रीवियस चैप्टर से पता है, होल नंबर स्टार्ट्स विद द 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि पावर्स हमें पॉजिटिव ही चाहिए और ज़ीरो से भी स्टार्ट हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है पावर। तो एक हम अपना एग्जांपल बना लेते हैं, कॉन्स्टेंट हमने कोई भी ले लिया, 3 × वेरिएबल हमने ले लिया एक्स, और होल नंबर हम यहाँ पे कोई भी 4 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बन गया 3x^4, ये हो गया हमारा पॉलीनोमियल। जैसे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंट टर्म्स हमने बनाई थी, हमारे हाउस में बहुत सारी टर्म्स थी, वैसे ही यहाँ पॉलीनोमियल में भी हम कई टर्म की भी पॉलीनोमियल हम बना सकते हैं। जैसे ये 3x^4 हमने फर्स्ट टर्म ली, सेकेंड हम ले सकते हैं यहाँ पे 2x^3 ले सकते हैं, नेगेटिव साइन भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने ले लिया 5x^2+5, ये बन गया हमारा पॉलीनोमियल, 1, 2, 3, 4 टर्म्स का पॉलीनोमियल बन गया। यहाँ तक हमको समझ आया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी बहुत सी टर्म्स हो सकती हैं, पॉलीनोमियल में भी बहुत सी टर्म्स हो सकती हैं, इनको हम कैसे बना सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ओनली पावर का डिफरेंस है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हो सकती है, बट यहाँ पॉलीनोमियल में जो पावर है वो ओनली होल नंबर्स में हो सकती है। अब कुछ और नया कि पॉलीनोमियल में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है 1 वेरिएबल मीन्स वेरिएबल हमने कहा एक्स, तो यहाँ पे भी हम एक कोई भी एक पॉलीनोमियल ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं 3x^4+2x^3-5x^2 और +5, ये जो हमने लिखा था वो सेम पॉलीनोमियल लिख लिया। यहाँ हमें वेरिएबल हर एक टर्म में एक्स ही दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो डेफिनेटली पॉलीनोमियल इन 2 वेरिएबल की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे तो हमें एक्स और वाई या जितने भी हम 2 या जो भी हम चाहें वेरिएबल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3x^4 प्लस
भी आएगा वहाँ पर पावर हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, वो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। टर्म्स हो सकती हैं एक से ज़्यादा, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल्स जो यूज़ हुए हैं पॉलिनोमियल में वो एक या दो या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे डायरेक्टली हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है कि अगर हमें कोई एक्सप्रेशंस दिए हुए हों तो हम उनसे में से कैसे पहचानेंगे कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या फिर नहीं है, और हमें अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट पार्ट है 4x2 - 3x + 7, तो ये तो डेफिनेटली पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल भी है, सो यस है मेरा आंसर। यहाँ पे भी ये सेकंड भी पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल भी है, थर्ड में भी ये थर्ड में पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि रूट टी आ गया, रूट टी का मतलब होता है 1/2, तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन और टू वेरिएबल हम चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर में वाई आ गया, तो अगर ये ऊपर हम इसे ले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल वाई प्लस 2/y है, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा y+2y - 1 हो जाएगा ये, और इसकी वजह से -1 नेगेटिव पावर की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, सो इसका आंसर भी नो होगा, वन वेरिएबल या टू वेरिएबल हम चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने कुछ पावर की बात की है, तो पावर्स क्या हैं और हम उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे करेंगे हम ये? अभी हमने अपने प्रीवियस उसमें लिया था कि 3x4 था हमारे पास में, और प्लस मैं कोई एग्जाम्पल से ही ले रही हूँ, 2x3 मैंने ले लिया, 2x3। यहाँ दो टर्म्स हैं, पॉलिनोमियल भी है ये, पावर जो है 4 है और 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर है क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पावर तो इस टर्म की है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 4। सेम यही कॉन्सेप्ट को हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे फॉलो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ फर्स्ट 3, 2, 7 है, बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है, बट ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यू कैन चेक इन द एक्सरसाइज क्वेश्चन 4। सो इसकी डिग्री हो गई हमारे पास में 3, एंड हियर डिग्री 2, एंड हियर डिग्री 1, एंड हियर ये कौन सा हो गया हमारा, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, बट अगर वेरिएबल है नहीं तो यहाँ पे एक्स की पावर 0 हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे डिग्री हो गई 0, राइट? यहाँ इस वाले पार्ट से हमें एक और नई चीज़ सीखने मिली, और जिसका यूज़ करके हम कुछ और नए पॉलिनोमियल सीखते हैं, और उनका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि यहाँ पे ये नंबर दे रखा है 3, हमने ले लिया एक एग्जांपल 5, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जितने भी नंबर्स हैं या जो कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है वो हमारे हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, जब नंबर कांस्टेंट हो गया तो ज़ीरो क्या होगा? तो ज़ीरो का एक अलग पॉलिनोमियल होगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल, जो कि जिसमें सिर्फ ज़ीरो ही होगा, राइट? अब हमने सभी तरह के देख लिए पॉलिनोमियल्स, सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन भी हम टू टाइप्स से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मीन्स टर्म भी हमने सीखी कि जितने रूम्स हैं उस पॉलिनोमियल में वो उसकी टर्म्स हो गई, और जितनी पावर है वो उसकी डिग्री हो गई। अब तक हमने दोनों चीज़ें सीख ली हैं, अब इनके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के कुछ नेम होते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें वन टर्म होती है वो मोनोमियल होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें टू टर्म्स होती है वो बाइनोमियल होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें थ्री टर्म्स होती है वो ट्राइनोमियल्स होते हैं। इनके एग्जांपल हम अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, तब हम चेक करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हो सकती हैं, और हमने अभी काउंट करना भी सीखा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो हो जाएगा
क्वाड्रेटिक एंड किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो वो हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 हमने लिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने देखा है लीनियर मीन्स पावर 1, क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2 एंड क्यूबिक मीन्स पावर 3। तो यहाँ पे हम फटाफट से लिख देते हैं, यहाँ पे पावर हमें दिख रही है 2, तो मीन्स हो गया ये क्वाड्रेटिक, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। यहाँ क्यूबिक है तो सी हो जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो ये क्यू हो जाएगा, यहाँ पे 1 है पावर तो ये लीनियर है, यहाँ पे पावर 1 है तो ये भी लीनियर है, पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, पावर 3 है तो ये क्यूबिक है। आई थिंक ऑल कॉन्सेप्ट everyone has understood and crystal clear to all of you. After this you are able to solve exercise 2.1 all the parts by yourself. So as a homework